सर सर लास्ट डेट पे 21 आउट ऑफ 14 विटनेस हो गए थे, 12 विटनेस हो गए थे, 13 हाँ और 14 भी हो गए सर, 15 और 16 भी हो गए सर, कॉपी मुझे मिल नहीं पाई थी कोई बात नहीं, टोटल सर, कितने लेकिन विटनेस ये हैं? सर 18 18 18 नहीं सर, 21 थे ऑलमोस्ट, तो उसमें से 17 18 19 20 वो कोर्ट ने हटा दिए उनको, ओनली 16 किए हैं, दो की कॉपी में सबमिट कर रहा हूँ कोई अभी, बात नहीं, तो इसको जो है ट्रायल भी तो पूरा हो रहा है, हो चुका है ट्रायल पूरा सर। तो फिर उसके बाद फिर बिल एप्लीकेशन क्या करेंगे जब ट्रायल पूरा हो गया तो? नहीं सर बेल पहले से लगी थी तो आर्गुमेंट तो करना पड़ेगा ना नहीं 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 सर। इतने साल से वकालत कर रहे हैं आप, सर 6 7 साल हो गए यहाँ पे, तो अभी हुई कोई थी। बात कोई बात नहीं, मत जब ट्रायल पूरा हो गया या होने वाला है जैसा आप खुद कह रहे हैं, तो उसके बाद बेल एप्लीकेशन नहीं, वहां से जो भी एक्विटल कन्विक्शन होगा, अगर एक्विटल होगा तो आपको कुछ आने की जरूरत नहीं, कन्विक्शन होगा तो आप अपील में आएंगे, 389 की एप्लीकेशन लगाएंगे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए, ठीक है? सर ये बेल मैंने अप्रैल में फाइल कर दी थी, आपने ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं नहीं सेकंड बेल सजा नहीं हुई ना सुनो भाई, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आए, इनको समझाने दो, 2 मिनट जी, रुक जी जाओ। सर सेकंड बेल एप्लीकेशन में वैसे भी चेंज सरकमस्टांस बताने रहते हैं, जी सर जब आप खुद बता रहे हैं कि ट्रायल पूरा हो गया, गवाह सारे एग्जामिन हो गए, गवाह एग्जामिन हो गए, तो अब क्या है डिफेंस सर वही एविडेंस के तो लिए लगेगा, उसके बाद में जो है जजमेंट हो जाएगा, जी 1 महीने में ट्रायल पूरा करने के लिए बोल देते हैं, ठीक है? सर लिखिएगा श्री, शुभ नाम बताइए आपका। धर्मेंद्र यादव, जी धर्मेंद्र यादव श्री धर्मेंद्र यादव, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, एडमिट्स दैट ट्रायल इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, फुल स्टॉप, टेकिंग दिस फैक्ट्स इनटू कंसीडरेशन ही डज नॉट प्रेस दिस एप्लीकेशन, इट इज डायरेक्टेड दैट इफ ट्रायल इज नॉट कंप्लीटेड देन इट बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, सर। एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड एज विथड्रॉन।